तो चोरा कही देते तो। चोरा है तो चोरा है, का पता बाबा दादी भी हर बार विजय होते पराजय हो जी। नहीं नहीं नहीं, एक जमाने का सोले मसन डायलॉग बोलते, आधी इधर जाओ आधी उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, बाकी कहाँ जाएगा साथ, अकेले चल रहा है राजू राहुल गांधी चल रहे हैं। ये बीजेपी के घर है ना वही, तो कांग्रेस तो कहाँ चले गए यहाँ पे, बाकी हम तो सब सिलाई मशीन मिली साइकिल मिली। कांग्रेस तो वही लड़का बच्चा मतलब बिगाड़ा था, वो का कर कैसे बिगाड़ा, राहुल बंदे नहीं करा थे बोला जी दा था कमल जी ताबो पंजला पंजल हर बाबू गाँव का है। पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। सब झला जय जोहर, मैं छत्तीसगढ़ हिटरी, आप देखा था तीरंदाज। आप मतलब पता ही होगी कि लोकसभा चुनाव के आगाज हो चुके हैं बे, और लोकसभा चुनाव के लिए सब नेता मन हाँ अपन अपन पार्टी ल पकड़ के मैदान में उतर चुके हैं बे। अब देखे वाला बात ये हो ही कि काकर पार्टी ये बार जोर मार सकते। अब मतलब पता ही होगी कि दोनों पार्टी अपन प्रत्याशी मन के घोषणा कर चुके हैं। वही रायपुर में बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार विधायक जीत चुके हुए, वही कांग्रेस से विकास उपाध्याय जो विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशी हरे। अब देखे कि ये बात हुई कि का 9 बार जीते हैं ते का ये बार हार सकते, ये सोचे के बात हुई। और यहाँ के जनता मन है डिसाइड करी कि कौन लाना चाहते हो कौन नहीं आ सके। काका सरकार लात हो भैया, सरकार तो मैडम अभी आही तो मुला लगते बीजेपी के आही सरकार, कांग्रेस के काबन नहीं है। कांग्रेस के एकर सेती नहीं आवा कि पहली से रीति नीति बनाए पड़ते, ओकर रीति नीति के कोई एहज नहीं है। तो बहुत तो रणनीति बनात रही से यात्रा निकालत रही, अब यात्रा निकालत रही लेकिन जो व्यक्तिगत मौलभूत के जो सुविधा है और देश कैसे आगे बढ़ना चाहिए है ना भाई, इला देख के चलही तब वो सब लेके चलही तब वो फिर आई सरकार कोई भी हो। नहीं सोचत रही लोगन मन के मूलभूत समस्या नहीं सुनत रही इसका, अब नहीं सुनत रही तबे तो सरकार नकारते जनता, नहीं तो आदमी अगर एक निर्दलीय भी अगर जीते ना अगर कार या कर अच्छा रहते तो आदमी कोई भी सरकार रहे वो व्यक्ति हर बार जीतते आते, ऐसे नहीं, जो कार्य अच्छा होना चाहिए आदमी, सरकार के सोच अच्छा होना चाहिए जो सब लोग बराबर दृष्टि से लेके चले। सरकार नहीं लेकर सब लोग बराबर दृष्टि से नहीं ले, सब लोग बराबर है अभी चलत है बराबर चलत है सब सरकार। आप मन के एरिया में कार्य वार्य हो ठीक ठाक, प्रगति कार्य, प्रगति कार्य तो कहा मैडम, वो सड़क तो नाली वगैरह थे सब चला थे, उसमें बिजली पानी पानी वानी कई समस्या नहीं है, नहीं पानी वानी चला थे, खाली है बेरोजगारी की समस्या है थोड़ा से, लड़का मन पढ़े लिखे है ज्यादा ओकर ले सरकार ने थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, और एक बार ध्यान दे अगर करी ना तो फिर और देश की विकास हुई, अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है एक प्रति सरकार बहुत ध्यान दे के देर लगी बहुत जरूरी है कर लिए, हाँ का कैसे उन्नति हुई का मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, कैसे रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, कैसे बेरोजगार लड़का मन बाहर मत जाए हैं अपन सेटल हो देश तरक्की करे, ये सब सरकार ने ध्यान देना जरूरी है। का नाम है भैया आप मन मोर, पन्ना लाल गायकवाड़ हीरापुर वार्ड नंबर 1। का करे थे दादा, अब लोग बैठे आराम से, का गुपचुप चला थे, बस ऐसी बात चल रहा टाइम पास, चुनाव के बारे में बातचीत नहीं चलत का? नहीं उसके बारे में बात ही नहीं चाहिए, चुनाव के बारे में जो कहा लगा था चुनाव में आप मतलब साइड में अपना वही चल रहा है, जो चल रहा है अपना वो लोग जाने अपने अपने काम से मतलब हम लोग रखते हैं। तो तुहर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल विकास उपाध्याय खड़े तो आप मन को जिताना चाहते, वही है जो अपना जो पुराना जो चल रहा है अपना जो फूल छाप है वही चल रहा है, कौन जीता थे आपके लोकसभा सीट से, विकास उपाध्याय की बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल जीतेगा, विकास उपाध्याय का बनी अब भैया वो अग्रवाल ज्यादा दिन है ना ऊपर वजह से वो जीतेगा। अपन बताओ दादा, हाँ बोला जीता था कमल जीता वो पंजला पंजल हर बाबू गाँव का है, काबर है काबर विकास विकास नहीं है, विकास उपाध्याय तो खुद खड़े हैं,
वो तो विकास नहीं है ना। हाँ आप मन बताओ भैया चिल्लात रहो पास डाल ले बोला जीता था हम तो कमल ला जीत भाजपा पंजाब का बनी जीता पंजाब सब कोई अपन अपन जगह ठीक है बगे हमन बीजेपी ला ही वोट दे युवा हराओ तो काका कार्य ला देखा था वो अपन काकर कार्य ठीक लगता अभी तक तो बीजेपी के ही ठीक लगते कांग्रेस कुछ कार्य नहीं करा है आप मन के इलाके में कांग्रेस भी काम करे है बीजेपी के भी काम ठीक है आप मन बताओ भैया क्या बता दीदी कोला जीता था अपन लोकसभा सीट हमन तो शुरू से भाजपा के साथ में हन तो रिबो हमेशा ही रिबो तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस तो दीदी 50 साल राज करे कुछ नहीं करी अभी तो देखा था अभी बीजेपी का राज चला था अब चलन दीजिए जैसे चला थे अभी अर्थव्यवस्था सही है बस यही कहना है हमारा अभी का लगा था मतलब जो 9-8 बार विधायक बन चुके हैं वो कि एक तरफ कांग्रेस के हारे प्रत्याशी विकास उपाध्याय जीत जाए विकास भैया तो ठीक है और काम हम तो सुने हैं एक बारे में तो नहीं जाना ना कौन जीती दीदी लेकिन हम तो बीजेपी के साथ हैं बस बीजेपी जिताबो कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो बस और हो जिताबो काकर कारे बने लगते तो ले? अब तो भाजपा ठीक अभी राज्य चलाए है और कांग्रेस है? कांग्रेस तो वही लड़का बच्चा मतलब बिगाड़ा था वो का कर कैसे बिगाड़ा दारू बंद नहीं कराते वो करवा जैसे तोला नहीं देवा कांग्रेस ला भाजपा देबो का नाम है दीदी आप मोर बुद्ध धारिन दिवाकर का भाजी बेचा था दही ये दे कर मत भाजी तो काका सरकार रही हो है काका सरकार लावे का अब मैं हतन गोठा छापा काका रहे दे जेने आगे तेने सरकार है तो ते वोटिंग डाल था डाल था तो कोले डाल व्यापारी अब नहीं जानन कौन खड़ा हो थे ते विकास उपाध्याय और ब्रिजमोहन अग्रवाल खड़े ऐसे हाँ ले तो कोले देबे ले वही मैं लग देबो कहीं नहीं हो तो नाम एक जन के बताते ना तो मैं हम नहीं जाना ना अभी कहा था बाद में भुला जाओ क्या वोट मांगे बराए नहीं तो क्षेत्र में वोट ही मांगे बर तो सब ध्यान आना थे बाकी हम मतलब तो सब ला सिलाई मशीन मिली साइकिल मिली है आप ला कहीं नहीं मिली अपन को कुछ नहीं मिला 35 साल 5-4 हजार में हम गैस चूल्हा ले हैं अब मतलब गैस सिलेंडर घर नहीं मिली उज्ज्वला योजना के अंदर सरकारी मिले सरकारी में हमला सब 200 में मिले ना हमला नहीं मिले तो ऐसा में अपन काका सरकार चुनो दीदी ऐसा में अपन काका सरकार चुनो अब वो कौन काका है कौन काची है नहीं जाना बेटी मैं वो नाम बता तो मैं वो तेरे लिए नहीं जाना बेटी तो नाम बता मोन नाम हो काम कैसे हो ही बता कथा कहीं नहीं हो है बता नाम परदेश में कौन गाँव हरे ये है गोगा है कहाँ से कहाँ लेख थल भैया सवारी मल यही गोगांव के रेलवे स्टेशन सवारी मन बैठे रहते तो कुछ चुनाव के बारे में चर्चा हो जाते होते ना का तो काय चर्चा चलते तुम्हारे मन के बीच चर्चा का चली वही चलते फिर दोबारा ही बोल के बदलाव चाहते का कोई बदलाव नहीं चाहते तब वो अच्छा माना थे बोला अच्छा माना मोदी ला कांग्रेस ला कांग्रेस ला घटिया माना थे काबर और कोनो काम नहीं करे अभी तक और बीजेपी कार्य बीजेपी का कार्य बहुत बढ़िया है अब आप मन का हो कौन लौट दे तो कौन जिताना चाहते पूरा खानदान हम लोग बीजेपी को ही देते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल विकास उपाध्याय कांग्रेस से खड़े हैं बोला ब्रिजमोहन अग्रवाल तो जब से ही खड़े हैं शुरू से उपाध्याय का पता नहीं और उसके विषय में क्या बताऊं आप मन के नाम का है भाई राजेश सिंह लोकसभा चुनाव में कौन जिता था भैया बीजेपी को जिताएंगे कांग्रेस का बनी बीजेपी का काम अच्छा है कांग्रेस का कार्य करवा है बीजेपी तो सब चीज बढ़िया ही करवा रहा है ना कहीं से तो कोई दिक्कत कांग्रेस ऐसे का नहीं करवा है कांग्रेस से उतना कहने कहना चाहिए कि काम उनका उतना अच्छा लगा नहीं है बीजेपी का काम ठीक लग रहा है तो बीजेपी सरकार लगवा बीजेपी सरकार ए बार लोकसभा चुनाव में आप मन है कौन प्रत्याशी मन ला जिताए पर छोटा था और का रणनीति आप मन के मन में चला थे देखो ऐसे भैया रायपुर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है अब ये समझ में आ चुके हैं कांग्रेस और बीजेपी चक्कर में आम जनता के बहुत नुकसान है इधर ये है तीसरा पार्टी मौका देना चाहिए और हम तो ये मानते हैं कि इधर मायावती हाथी छाप लो वोट हमन देवो और हिल जिताबो ऐसे हमारे मन के मनसा है कौन प्रत्याशी खड़े हैं अभी घोषणा हो ही नहीं है
अभी बहुजन समाज पार्टी के, पर जो भी प्रत्याशी हो ही हमन चाहबो कि हाथी छाप जीते, बहुजन समाज पार्टी जीते, खबर तीसरा विकल्प बहुत जरूरी छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे भारत देश के लिए। कांग्रेस ला भी 70 साल देख ड्रेन, मोदी घलो 15 साल देख ड्रेन, स्थिति बहुत गंभीर है, पूरा देश के सत्यानाश हो चुके हैं। अब अगर बचा सकते कोई अगर उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, ऐसे हमारा लगता है। भाजपा कांग्रेस में क्या खराबी नजर आती? देख भाजपा ना भैया 15 साल हो गए, मैं पहली गैस लग 400 में लेवाते रहे हूँ, आज 1100-1200 में लेता हूँ, पेट्रोल पहले 65 रुपये रही से आज 100 रुपये में लेता हूँ, महंगाई वही स्तर में आगे है ये अगर कोई सीमा नहीं है और एक में कोई मुद्दा नहीं है, खाली दिन रात हिंदू मुस्लिम मन करते रहते हैं और बाकी हमला तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई विकास नहीं दिक्कत है या ऐसे कोई काम नहीं नजर आवा था जेकर से दोबारा वोट दिया जा सकते हैं। कतेक सीट से मतलब चुनाव लड़े के बारे में डिसाइड हो है? अब वो मुला नहीं पता भाई, मैं तो आम नागरिक हूँ, पर मैं अपन मनसद बता दूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी ही वोट दूँ। तब फाइनल हो गया कि बहुजन समाज पार्टी लाना है बार? हाँ बिल्कुल लाना है भाई, एक ही ऐसे पार्टी है जो बहुजन के लिए एसटी ओबीसी के लिए सर्व समाज के सोचते करके हम ना बहुजन मायावती फॉलो कर दन बोला देखते कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम कर रही इसे अवकर राजनीतियों से समझ में आते, झूठ नहीं बोला बारी में नहीं बोला है, तो हम तो ये चाहते हैं कि मायावती लिए वोट देना। कौन क्षेत्र भैया है ये एमएर? कौन क्षेत्र? ये हम जो खड़े हैं भारत माता चौक। का नाम है आप मन? भूपेंद्र गृतलहरी। ठीक है धन्यवाद। ब्रिजमोहन अग्रवाल तो बीजेपी से ना बिल्कुल चुनता ना वाला कोनो विकास में खड़ा भी हो जाए ना वो हम जीता थन। हाँ बिल्कुल पक्का हमारे बीजेपी विकास उपाध्याय वो कास उपाध्याय तो हमारे तो कुछ दुख दुख ला सुने नहीं ना जाने नहीं है ना समझे नहीं है और दो चार जना एक आध घंटे की सेवा तेकर बाद में अभी तक विकास उपाध्याय जी हमारे क्षेत्र में कोई गति किए नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल है उसका जब से हमारा वो क्या बोलते हैं डॉक्टर रमन सिंह था ना 10 साल यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ को चलाया। हाँ 15 साल। हाँ और उसका हाँ उसी का क्षेत्र है और उसी का बीजेपी में अभी खड़ा कौन हुआ है? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है अभी बीजेपी में, तो वो तो पक्का आएगा ही आएगा, हम गारंटी देते हैं उसको, हम वोटर है हम। वो जो काम किया हमने उससे मिलना चाहा लेकिन हमसे वो नहीं मिला और हम आए यहाँ अटारी में आया था वो, जब भी चुनाव पे खड़ा हुआ वो आया अटारी में अपना प्रदर्शन जो भी है अपना दिखाया, उसके बाद से लेके अभी तक वो अपना यहाँ अटारी पे कुछ मतलब टारगेट नहीं कर पाया क्योंकि ये बीजेपी के गढ़ है ना भाई, तो कांग्रेस तो कहाँ चले गए यहाँ पे। कैसा सरकार चाहिए दादा है? कैसा सरकार चाहिए तुम्हें? बस ये जो देवा थी सरकार चाहिए, अभी जो यह देवता इंद्र निवास वही सरकार चाहिए। मिले मिले नहीं है, भरे भरे थक गए अभी तक नहीं आए, ये बार डाल चुके हैं 2-3 बार हो गया, आज आई काला ही काटता तभी उठे नहीं है घर न देच नहीं है। तो कौन सा सरकार चाहिए इस समय आप? जेन हमला यह कर हिते लद बनना है और का बोलूं भाई, कौन सरकार चुनना चाहते हैं? कौन सरकार चुनना चाहते हैं? बीजेपी सरकार चुनना चाहते हैं। कांग्रेस ला काबा नहीं चुना है? काबा नहीं चुना सरकार हमारे काम ही नहीं करते, सरकार ले काबा चुन दे। कांग्रेस सरकार काम नहीं करे? कैसे काम नहीं करे कैसे काम नहीं करे काका काम नहीं करे? जो चीज ले बोले तो चीज देबे नहीं करिस ना। बीजेपी है? बीजेपी हमें जो मांगा था तेल देवा थे। का नाम है भैया? शत्रुघ्न लाल निषाद। कौन से जगह है? हमारे भिलाई 3। ये कौन से जगह है? यहाँ टारी है। का करे से दादा? का विचार विमर्श से चला तुम मन के? का विचार विमर्श से चला थे? अब बैठे तो संगी साथी में बात बात चला थे। चुनाव के बारे में चला था बात? चुनाव उनाव के बारे में भी नहीं चला थे। जितवाना है कि के? अच्छा हाँ। हेला राहुल गांधी ला ओ घर छोड़ के चले थे आदमी डायलॉग सुन रहे कांग्रेस जमाने का डायलॉग सुनत रहे ओकर सुन भारत जोड़े आते चला थे ना अभी है ना, तो अंग्रेज जमाने का सोले मसन डायलॉग बोलते आधी इधर जाओ आधी उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, बाकी कहाँ जाएगा साथ, अकेले चल रहा है राजू राहुल गांधी चल रहे नहीं रहा वैसी बात करे थे। अच्छा तो बोला जीता था तो मोदी जीता वो ना। का नाम है भैया? श्रवण कुमार निषाद। और का रणनीति बना थे? यहाँ से तो जीती, यहाँ से ब्रिजमोहन भैया जी थी, पश्चिम से पश्चिम का लोकसभा जी थी, सातों विधानसभा जी थी, 7 विधानसभा है ना।
एक बार जीता आ भी नहीं सका कोई अभी तक 400 पार करा हाँ, वो तो विजय नहीं था कहलाता। बोले जीतवाना अच्छे कृष्ण करके भाई का पता बाबा ये दादी भी हर बार विजय होते पराजय हो जीत नहीं जीती हो अभी पर जीत के एकदम पूर्ण वोट से जीती यहाँ जब जीते ना सुनी सो जीती ना ओकर ज्यादा वोट से जीती कई लाख वोट से जीती हो अंतर से तीन लाख से कुछ ऊपर वोट से सुनी सोनी जीती थी सांसद पर कार्यकाल कैसे रही बढ़िया रही से कार्य गांव में तो ऐसे अभी नहीं करे बड़े क्षेत्र पर जाते बड़े क्षेत्र पर जाते आ नहीं सके चेहरा नहीं दिखावा हम अब हमन देश के नाम से देथन देश अच्छा उन्नति करे अच्छा हम जाए सत्ता बागडोर में है जो मुखिया सहरी ना तो वही चुन के देवे चल तो ऊपर में बैठे हुआ वही कराई सत्ता चला थे आप मन भी ऊपर में बैठे तेला देख के देता हाँ, प्रत्याशी देख के नहीं प्रत्याशी तो सत्ता भाई सत्ता चला वही चलाते ना ओकर निर्देश पे यहाँ काम हुआ थे इसलिए बोला देथन भाई हम आप बता दो आप कावर चुप चुप बैठे हो बतावत तो ले तोर लते बता दे सब समस्या हुई तो है को जीताना है मोतीला अभी अब जीता रहे ला कोई विकास ला कुछ काम नहीं करिस अब मन बना सोच ले भगाना है कि के एक बार तो टाइम दी तो ना दूसरा बार टाइम नहीं दे बात पहली बार मैं काम नहीं करी कहाँ कर कुछ नहीं काम करी सो है वहाँ जब मिल बचे वही काम करिस यहाँ के कहाँ कुछ करिस अपने अपने आदमी भर ली सर बाकी कोई भगाना है कि भगा दी सब तो सोचने 5 साल तो रुबे अति करे 5 साल को ज्यादा नहीं कर सका कांग्रेस का हिसाब से जीत गए परिवर्तन बदल करना है कि के कांग्रेस जीती से वो टाइम हाँ अगले तो का लगता टाइम तो गए ना वह भाजपा के जिताना है नाम बता दो दादा आप झाड़ू रामचंद्राकर काका सरकार लावे भैया हमारे भाजपा मोदी सरकार है जिंदाबाद और कांग्रेस कांग्रेस का नाली साफ है तो शुरू से कैसे नाली साफ का है पाकिस्तान वो नहीं राजीव गांधी तब फिर तो चोरा कह देते तो चोरा है तो चोरा है कैसा से वोट कर जीत के खाए हैं कार्य नहीं करवाई से पहले जीते ये साल है 70 साल से काज करे हुआ 70 साल से राज में कौन रही पहले कांग्रेस तब फिर अभी तो 5 साल हुआ है मोती लाए 15 साल में वो विकास हुआ नहीं हुआ आप भी घूमते हो रोड तू ही बताओ भाई आप भी पता है रोड में घूमते हो कहा है कैसे तब भी हमारा रोड वही ला बीजेपी ला बीजेपी खुश है तो फिर खुशी मना ले छोटा बड़ा केक मंगा ले संगम में मिलता है बढ़िया केक संगम में मिलता है बढ़िया केक